मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास है। इस प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे खास मेहमान हैं उससे आपका तारुफ कर देते हैं। आनंद सबदानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सबदानी कोचिंग के सर्वे सर्वा हैं। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी धन्यवाद अमीन जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, चूंकि युवा जिस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से रास्ते भटक जाते हैं और मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। पहला सवाल आपसे ये कि चूंकि पटवारी की जो है वैकेंसियां निकली हुई हैं, लोग उसको भरा भी है लोगों ने, तो इसकी तैयारी कैसे की जाती है और इस पटवारी जैसे कि अभी तो चूंकि वैकेंसी निकली है तो तैयारियां अगर करना हो तो किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है? अगर जिस इंसान के मन में ये इच्छा है कि उसको सरकारी नौकरी में जाना है और खास तौर से व्यापम लेवल की जो जॉब्स होती हैं जैसे पटवारी की जैसे अभी निकली हुई हैं, लगभग 9238 पोस्ट निकली हैं जी, और किसी की इच्छा है इन पोस्ट में जाने की, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है जी। कि सबसे पहले आप जो भी विषय इसमें आने वाले हैं उसको या तो किताबों से पढ़ लें या अपने ग्रुप स्टडी कर लें या फिर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपके आसपास है तो उसको ज्वाइन कर लें जी। इन सारी चीजों से आप तैयारी करें, बेसिक कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम देंगे पास हो जाएंगे, सबसे आसान जी। इसी के अंतर्गत एक सवाल और है, क्या जो चूंकि जो ग्रेजुएशन है जो कर चुके हैं वही क्या इसको आवेदन कर सकते हैं या फिर बारहवीं पास भी कर सकते हैं? हाँ बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया। पिछली बार जो पटवारी की परीक्षा हुई थी वो 2012 में हुई थी जी, और अगली जो पटवारी की परीक्षा हो रही है 2017 में हो रही है जी। सीधा सीधा 5 से 6 साल का अंतर है, और ये भी 6 साल का अंतर शायद आप समझ ही रहे होंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं उसके पहले पटवारी की वैकेंसी आती है और अगली वैकेंसी कब आए किसी को नहीं मालूम। पिछली वैकेंसी जब आई थी 2012 में उसमें पटवारी में 12वीं पास मांगा था जी, लेकिन इस बार उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया, उस पर ग्रेजुएशन कर दिया। पिछली बार और इस बार में अंतर यह है कि पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो उन्होंने 12 के साथ साथ डीसीए या पीजीडीसी मांगा था जी। कहते हैं ना किसी चीज में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, अगर 12 को बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दिया तो इसको हम बुराई समझ सकते हैं, और पिछली बार जो डीसीए या पीजीडीसी मांगा था वो इस बार हटा दिया, तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी है। तो दोनों वर्षे वर्षा है, दोनों सिचुएशन है, अच्छा ही है जो भी अच्छा है। कंप्यूटर डिग्री अनिवार्य है क्या इसके अंदर? कंप्यूटर में डीसी पीजीडीसी जो पहले मांगते थे वो इस बार अनिवार्य नहीं है। इस बार सबसे अच्छी बात ये कि कंप्यूटर में सीपीसीटी का नॉलेज इन्होंने कंपलसरी कर दिया जी, क्योंकि पुराना पटवारी और नए पटवारी में बहुत अंतर है। पहले पटवारी आपको दिखता होगा कि ग्राउंड में जमीनों पे वो कागज पेन लेके नप्ती करता हुआ दिखता होगा, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल मोबाइल ऐप बन गया है गवर्नमेंट का, राजस्व विभाग का, उन लोगों ने उस ऐप के माध्यम से पटवारियों को लैपटॉप प्रोवाइड किए हैं, टैब प्रोवाइड किए हैं, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से जो पटवारी है वो कहीं ना कहीं सारी चीजें ऑनलाइन करता है। अब सोचिए जो चीज ऑनलाइन करने वाला है अगर उसको कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा, तो इसलिए एक बेसिक ज्ञान की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात है कि बेसिक ज्ञान में उन्होंने सीपीसीटी मांगा है इस बार व्यापम ने, यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने, और जो सीपीसीटी का एग्जाम है वो भी अभी आपको क्रैक नहीं करना, जॉब लगने के बाद 2 साल का टाइम आपको मिल रहा है, 2 साल के बीच में जब भी आपको मन करे 2 साल तक आप कभी भी सीपीसीटी का एग्जाम पास कर सकते हैं। जैसे कि पटवारी की जो वैकेंसी जब निकली थी उसके बाद से ही लगातार जो है हमने देखा कि लोग फॉर्म भरने की बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो है हमने देखी, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर पकड़ अगर आपकी सबसे अच्छी होगी तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं? जी बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। कुछ समय पहले 8 तारीख भी निकली है 8 नवंबर, मैं एक जगह से जा रहा था तो नोटबंदी का माहौल था, लोग लाइन में लगे, तो मुझे ऐसा लगा फिर से नहीं नोटबंदी का माहौल है और नोट बदलवा रहे, तो मैं भी खड़ा हो गया, मुझे लगा 100 और 50 के भी बंद हो गए इस बार जी, जी। लेकिन मालूम चला वो जो लाइन थी वो नोटबंदी की लाइन नहीं थी, वो पटवारी के फॉर्म भरने की लाइन थी, और मध्य प्रदेश वाकई में एक महाकुंभ के रूप में निकला है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले माननीय उमाशंकर गुप्ता जी खुद हमारी सबदानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए थे, उन्होंने खुद बोला था कि आज तक मध्य प्रदेश में केवल 7,000 पटवारी हैं, पूरे मध्य प्रदेश में मिला के केवल 7,000 पटवारी हैं, और अब हम 9,200 वैकेंसीज लाए हैं, इसका मतलब पटवारी अब लगभग 225 गुना ज्यादा हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छी बात है। इसके अलावा पटवारी के बारे में एक और चीज उन्होंने बताई कि अब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी उन्होंने ले आए हैं, सारी चीजें एक जैसी ले आई हैं। पटवारी की तैयारी के लिए जो इस बार सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। इस बार पटवारी का जो पेपर रहेगा वो लगभग 100 नंबर का रहेगा। इसके अलावा 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर के पेपर के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम मिलेगा जी। और 2 घंटे में जो विषय आने वाले हैं उसके बारे में बताता हूँ। एक पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पेपर रहेगा, इसके अलावा एक जीके का पार्ट रहेगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, कुछ कंप्यूटर के आएंगे, और बहुत ही माइनर से क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के भी आने की संभावना है। तो इन 5-6 सब्जेक्ट से मिलकर इस बार पटवारी का पूरा पेपर है,
और मेरे ख्याल से अगर कोई भी स्टूडेंट मन लगा के काम करेगा, मन लगा के मेहनत करेगा, तो सफलता जरूर उसके कदम चूमेगी। अब आनंद जी, बच्चों के में ये बात भी है कि जो सामान्य कट ऑफ लिस्ट होती है वो कितने तक जाएगी, तो आपको क्या लगता है, क्या देखिए, मैं भगवान तो नहीं हूँ कि मैंने जो बोला वो पत्थर की लकीर हो गई। हम लोग एक कोचिंग चलाते हैं और हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि पूर्व धारणा करना गलत होगा। फिर भी अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब देना चाहूंगा। मान के चलिए 100 नंबर का प्रश्न पत्र है इस बार पटवारी का, और अगर हम जनरल कैटेगरी में तो ये मान के चलते हैं कि हम 70 से 75 नंबर अगर हम लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। मैं हायर साइड बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कम ही जाएगा, लेकिन हम हायर सोचेंगे तभी तो लोअर तक हम टच कर पाएंगे। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यही कट ऑफ 60 से 65 जाने की संभावना है, और अगर हम एससी या अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की तरफ जाते हैं तो कट ऑफ 55 से 60 तक जाने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट सुन पा रहा है, देख पा रहा है, वो जिस कैटेगरी का है वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करे, और एटलीस्ट इतना अगर वो मार्क्स लाता है तो पास होने के चांसेस उनके अच्छे होंगे। जैसा कि सवाल हमने आपसे किया था कि कौन सा विषय जो है सबसे ज्यादा, चूंकि जिस पर नजर बनाए रखें, अब चूंकि कई ऐसे छात्र भी हैं जो पटवारी के बारे में वैकेंसी निकलने से पहले जानते भी नहीं थे कि उनको इस तरफ जाना है, वो अचानक जो है उनको पता चला कि वैकेंसी है तो भर दिया। तो ऐसे जो छात्र हैं चूंकि जो की जो तैयारी कर रहे हैं वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो छात्र सिर्फ वैकेंसी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप क्या कर सकते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में? सच्चाई है कि लोगों को लगता है कि आजकल हर चीज एक फिंगर टिप पे है, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी, आपने बोला कि आजकल लोग तभी जागते हैं जब सवेरा होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। कहना चाहिए कि आजकल भीड़ का कारण कोई नहीं बनना चाह रहा, आजकल सब भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। जैसे ही पटवारी की वैकेंसी आई सब लोग जाग गए, अरे वैकेंसी आ गई हम फॉर्म भर देते हैं। अगर पहले से ही आप तैयारी कर रहे होते तो चांसेस ज्यादा होते, क्योंकि आज से लेकर पटवारी के एग्जाम तक लगभग 30 दिन बचे हैं, और सोचिए 30 दिन न मेहनत करने वाले के लिए तो मेरे ख्याल से 30 दिन बहुत कम है। अब कुछ लोग निराश हो रहे होंगे कि सर 30 दिन में हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो निराश होने की भी संभावना नहीं है, निराश होने की भी जरूरत नहीं है। 30 दिन अपने आप में बहुत होते हैं, अगर हम 1 घंटे को 10 घंटे के बराबर मान लें और आउटपुट 10 घंटे का दें तो शायद ये 30 घंटे जो होंगे, ये 30 दिन जो हैं वो शायद हमें 30 महीने की तरह लगेंगे और हम आउटपुट अच्छा दे सकेंगे। तो बस जो भी समय है, आप किसी को हम गिला शिकवा तो नहीं कर सकते हमने लेट तैयारी की या जल्दी की, जो भी समय अभी मिला है आज से लेकर 30-40 दिन जितने हमें मिलते हैं, हम बस ये सोच लेंगे कि हम 2 नाव में सवार नहीं होंगे, हम केवल एक ही कश्ती पे सवार होंगे। अगर हमारे पास कोई जॉब है तो हम उसको फिलहाल रोकेंगे, अगर प्राइवेट जॉब है तो, अगर हमारा खुद का बिजनेस है या कहीं इंगेज है तो हम 1 महीने के लिए वो सारी चीजें छोड़ेंगे, केवल एक कश्ती पर सवार होंगे, और वो कश्ती है पटवारी की परीक्षा की तैयारी। अगर एक कश्ती पर हम रहेंगे और अपना बेसिक स्ट्रांग रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे, जीडी करेंगे, हम डाउट क्लासेस अटेंड करेंगे, इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो मेरे ख्याल से पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये धारणा भी दिमाग में बनी हुई है लोगों की कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं इस पेपर को नहीं दे पाऊंगा, तो आपके हिसाब से जो मिनिमम और मैक्सिमम आयु जो है वो कितनी है? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, और जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा प्रश्न है। एक पॉलिसी का नाम है जिसका एक टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सच्चाई है कि पटवारी की वैकेंसी पूरा का पूरा चरितार्थ करती है इन्हीं लाइनों को। अच्छा ये है कि पटवारी का जो फॉर्म है 18 साल वाला युवक या युवती भी भर सकता है, इसका मतलब जिस जो कम से कम अभी व्यस्क है केवल 18 साल का हुआ है वो भी कर सकता है जिंदगी के साथ भी। और जिंदगी के बाद से मैं मतलब जिनकी उम्र 45 साल है वो भी पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं जिंदगी के बाद भी। काफी लंबा एज का जो क्राइटेरिया रखा है, जनरल कैटेगरी वाले 18 से लेकर 40 साल तक पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं भले वो महिला हो या पुरुष हो। यही कैटेगरी अगर ओबीसी की होती है तो 43 साल तक पहुंच जाता है, और एससी एसटी की कंडीशन में या गवर्नमेंट जॉब में अगर वो है निम्न वर्ग पे है और अब उच्च वर्ग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए 45 साल तक की छूट है। तो सोचिए 18 साल से 45 साल ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा एज है, तो मेरे ख्याल से सबको इसमें जुटने आना चाहिए, महाकुंभ है, इसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो पास जरूर होंगे। अच्छा, ये रही उम्र की बात, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए, 12वीं फेल हैं, क्या उनके लिए भी कुछ उम्मीद है? देखिए पटवारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ और डिपार्टमेंट जिसमें 12वीं पास मानते हैं तो जहाँ पर उनकी 12वीं अगर वो पास है तो 12वीं लेवल के फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जैसे डाक सहायक की वैकेंसी आती है, या LIC में असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, या वन रक्षक की वैकेंसी आती है, या कभी कभी कांस्टेबल में भी 10वीं पास मांग लेते हैं। तो जिन वैकेंसीज में 10वीं पास मांगा है, क्योंकि आपने बोला हो सकता है 12वीं पास है या 12वीं हो सकता है फेल है, तो सोचिए अगर फेल है तो 10वीं लेवल पे जो जॉब निकलती है वो आराम से भर सकते हैं। बस ये कि एज 18 साल होनी चाहिए और 10वीं पास होनी चाहिए। सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जो है हर एज ग्रुप के लिए हर
क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब सेट किए हुए हैं, बस अंतर यह है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो हो सकता है अधिकारी लेवल के पद मिलेंगे, अगर आप 12th हैं तो हो सकता है बाबू लेवल के पद मिलेंगे, अगर आप 10th हैं तो हो सकता है बाबू से थोड़ा सा लोअर लेवल के पद मिलेंगे, लेकिन हर किसी के लिए पद है, हर किसी के लिए सरकारी नौकरी है। आज की डेट में बुरा मत मानिएगा, आज की डेट में हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफिसर बनने से अच्छा है कि सरकारी विभाग में चपरासी बन जाया जाए, ये कठोर सत्य है लेकिन ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जिन जिलों से जिन छात्रों ने ये फॉर्म भरे हैं पटवारी के, क्या उन्हीं जिलों में उनकी पोस्टिंग हो सकती है, इस तरह कुछ प्रोग्राम किया गया? बिल्कुल, माननीय मंत्री जी जब अभी सबदाणी कोचिंग में आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि इस बार हमने ये प्रावधान रखा है कि जो भी कैंडिडेट जिस जिले का है या जो उसका होम टाउन है, एटलीस्ट उसको वो तहसील नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं, तो सोचिए कि अगर मैं उसी गांव का हूँ और मुझे पोस्टिंग भी उसी गांव में मिलती है तो मैं मदद किसकी करूंगा, अपने गांव वालों की। और हर बार मैं मदद सही करूंगा जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे हाथों से कुछ गलतियां भी हो जाए, इसलिए होम टाउन कभी भी किसी को नहीं मिलेगा, अपनी तहसील नहीं मिलेगी। हाँ ये है कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपको जिले प्रेफरेंस में भरने पड़ेंगे, मतलब 1 से लेकर 51 तक जितने भी मध्य प्रदेश के जिले हैं सभी आपको फॉर्म भरते समय उसमें डालने पड़ेंगे, और आप जिले वैकेंसीज के हिसाब से भर सकते हैं, जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां पहले भरें, जहां कम वैकेंसीज हैं वहां बाद में भरें, या आप जिस जिले को बिलोंग करते हैं उसके आसपास के जिले को आप भर सकते हैं ताकि आने जाने में आपको सुविधा हो, ज्यादा अप डाउन न करना पड़े। तो ये सारी चीजें काफी सोची गई है। और एक और चीज मंत्री जी ने बताई, इस बार जो पोस्टिंग मिलेगी वो भी 100% जो रहेगी ऑनलाइन रहेगी। इसका मतलब मेरिट में जिस प्रकार से कॉलेज की काउंसलिंग होती है कि मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, यहाँ पर भी मेरिट के अकॉर्डिंग आपने जो जिले में प्रेफरेंस दिया है वो अलॉट होंगे, तो हर चीज ऑनलाइन है, बहुत पारदर्शिता है जी। कितने नंबर के पेपर आ सकते हैं, चूंकि तैयारी तो बच्चे कई रहे हैं, कितने उम्मीद करें वो, क्योंकि जो नए लोगों ने भरा है जिनको उम्मीद नहीं थी कि वो फॉर्म भरेंगे वो लिख जाएंगे। सच्चाई है कि टोटल तो 100 नंबर का पेपर होना है, ये तो सभी को मालूम है। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ये हो सकता है व्यापक को भी अभी तक क्लियर ना हो, क्योंकि ये हमेशा हमने देखा है कि व्यापक का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि कभी भी किसी भी टॉपिक को ज्यादा ले लेते हैं, कभी भी किसी को कम ले लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस बार जो पेपर होगा उसमें जीके के 30 क्वेश्चन आने की संभावना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के भी 30 क्वेश्चन आने की संभावना है, हिंदी और कंप्यूटर ये दो विषय ऐसे हैं जिसके 15-15 मार्क्स आने की संभावना है, 15-15 क्वेश्चन, और जो रीजनिंग और मैथ्स है इसके 10-10 प्रश्न है, इस प्रकार से 100 प्रश्नों का समावेश होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम पटवारी की, तो पटवारी का जो पद है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जमीनों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज इन दोनों पे पकड़ स्टूडेंट की होनी चाहिए तभी वो पास हो पाएगा। दूसरी बात करते हैं जीके की, तो जीके दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक कॉमन जीके होता है जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश की जब परीक्षा हो रही है तो मध्य प्रदेश का जीके भी क्यों नहीं आएगा, ये भी लाजमी है कि मध्य प्रदेश का जीके आना है। तो 50% जो जीके रहेगा यानी 15 नंबर का वो एमपी का जीके रहेगा, और 15 नंबर का जो जीके रहेगा वो ओवरऑल जीके रहेगा। दूसरी चीज ये देखी गई है कि पटवारी का जो काम रहता है वो जमीनों के आसपास यानी भौगोलिक संरचना पर काम रहता है, तो आमतौर पर देखा गया कि पटवारी का जो पैटर्न रहता है उसमें जीके में भी भूगोल के क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो अगर आप पटवारी में पास होना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की तैयारी आप ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना। चूंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ आरक्षण की व्यवस्था? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो हर जगह ये प्रावधान है कि जो भी दिव्यांग है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके लिए हर जगह कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है और कहीं ना कहीं उनके लिए वेटेज भी रहता है, उनके लिए रिक्त पद भी रहते हैं। सेम उसी प्रकार से पटवारी में भी है, अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड है, अगर आप आंखों से आपको दिखाई कम देता है या आप नहीं कुछ कर पा रहे, तो आपको कहीं ना कहीं राइटर भी प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए काफी सारे हेल्प रहते हैं कि जहाँ नॉर्मल स्टूडेंट को हो सकता है 2 घंटे का टाइम मिले, आपको वहाँ 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप लोगों को राइटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी किसी न किसी तरीके से कमजोर है, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कमजोरी का वो जो है वो फायदा नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल कमजोर है, लेकिन उस कमजोरी को अपना पहलू बनाइए, अपना पक्ष मजबूत रखिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ है, हर कोई आपके साथ है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी मेहनत में हो सकता है आपको अच्छी नौकरी मिले। जी बिल्कुल, आप चूंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और काफी ख्याति प्राप्त है आपका कोचिंग, और
पिछली बार जो पटवारी की जो वैकेंसियां निकली थी उसमें आपके कोचिंग के बच्चे भी सिलेक्ट हुए, तो किस तरह की तैयारी आप कराते हैं, अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें। जी बताना चाहूंगा कि सरदारी कोचिंग इस समय भोपाल में 5 सेंटर्स के साथ रन हो रही है। जी उन 5 सेंटर्स पे हमारा सबसे पहले भूमिका ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज दें, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो कैसे पढ़ेगा। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का हम बेसिक ज्ञान देते हैं। बेसिक ज्ञान देने के बाद ये सारी चीजें जो होती है ना वो एक्यूरेसी और स्पीड पे चलती है, यानी कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तब पास होंगे। एक्यूरेसी प्लस स्पीड इक्वल टू सक्सेस। तो हम पहले उनको सही सही करने का तरीका सिखाते हैं, जब उनकी सही बढ़ जाते हैं तो हम उनकी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा प्रश्न करना है। इसके बाद ये सारी चीजें बढ़ेंगी किससे? ऑनलाइन से, क्योंकि अब सारे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो गए। तो जब एग्जाम ऑनलाइन है तो हम भी उनके लिए कंप्यूटर लैब प्रोवाइड करते हैं, उन कंप्यूटर लैब में बच्चे जाके टेस्ट देते हैं ताकि उनको एक्यूरेसी स्पीड का मालूम चले। इसके अलावा डाउट क्लासेस रहती है सप्ताहिक कोचिंग में, जिसमें बच्चा कभी भी किसी भी समय डाउट पूछ सकता है। इसके अलावा हम लोग ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं जो भोपाल में नहीं है, जो लोग भोपाल में आते हैं कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनके लिए तो हम हेल्प करते ही करते हैं। इसके अलावा जो भोपाल के बाहर है उनसे भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से हम मटीरियल उन तक प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे हम लोग पटवारी का पूरा मटीरियल उनको अवेलेबल कराते हैं, जिससे वो तैयारी कर सके। इसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी है हमारे। अच्छी बात ये कि टाइम कम है तो हम लोग एक ही दिन में स्टूडेंट को 10 से 12 घंटे तक कोचिंग में रोकते हैं और पढ़ाते हैं। 2 घंटे वो क्लास करते हैं, 2 घंटे वो डाउट सॉल्व करते हैं, 2 घंटे वो लाइब्रेरी में बैठते हैं, 2 घंटे वो कंप्यूटर लैब में बैठते हैं, 2 घंटे वो जीडी में बैठते हैं, 2 घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार से 10 से 12 घंटे अगर कोई स्टूडेंट बैठेगा तो 100% वो पास होगा। अच्छा पटवारी की अगर जैसे कोई बच्चा चाह रहा है पटवारी बनने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कौन से ऐसी किताबें हैं जो सबसे ज्यादा वो पढ़े जो उसको हेल्प करने वाली हैं? मैं बस यही बताना चाहूंगा कि किताबें कोई भी बेकार नहीं होती। आप जिस जिले के हैं, आप जिस शहर के हैं, उस वहाँ जो भी बुक सेलर हो, वहाँ जो भी किताब आपको मिले जिसपे पटवारी शब्द लिखा हो, भले किसी भी राइटर की हो, किताब कोई बुरी नहीं होती, आप वो लीजिए पढ़िए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो सबधाणी कोचिंग के भी ऑनलाइन किताबें हैं, आप चाहे तो घर बैठे बैठे पूरी किताबें मंगा सकते हैं। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, वो आप जमा करके और पूरी की पूरी किताबें मंगा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट सबधाणीकोचिंग.com से हमारा नंबर ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, और पूरी की पूरी जानकारी मटेरियल की पूरी जानकारी बुक्स की पटवारी की आप लेके उससे पढ़ाई कर सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल होगी आपको। अच्छा सर, चूंकि महिलाएं हर क्षेत्र में, खासतौर से लड़कियां हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं, पटवारी की नौकरी उनके लिहाज से अगर बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं लड़कियों के लिहाज से? खासतौर आज सच्चाई ये है कि लड़कियां जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, सभी को मालूम है। लेकिन मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैंने देखा है कि 10वीं तक 12वीं तक ग्रेजुएशन तक लड़के लड़कियां बिल्कुल साथ में पढ़ाई करते हैं, लेकिन लड़कियों का रेशियो जो रहता है वो ज्यादा रहता है, लड़कियां बाजी मार लेती हैं, हर जगह टॉप करती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो मैंने देखा यहाँ तो फैमिली का प्रेशर, या लड़की को लगता है कि ट्रांसफर हो जाएगा, घर के बाहर चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि लड़के जॉब में ज्यादा आ रहे हैं, लड़के तैयारी ज्यादा कर रहे हैं मार्फत लड़कियों के। तो यहाँ पर आके बात उठ जाएगी, जब हमने ग्रेजुएशन तक अच्छा पढ़ा तो ग्रेजुएशन के बाद जब फाइनल टच की बारी आई, जब हमें नौकरी चाहिए, तब लड़कियां पीछे क्यों हो जाती हैं? तो जो भी लड़कियां मेरी बात सुन रही हैं, आप अपने पे विश्वास रखिए, ट्रांसफर भी पॉसिबल है, प्रमोशन भी पॉसिबल है, हो सकता है आपकी फैमिली भी कल आपको सपोर्ट करेगी। एक बार नौकरी लग तो जाए, देखिएगा सब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे मेहनत आपको करनी है। आप ये मत सोचिए कि लड़के ही इन कामों के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है पटवारी यानी क्या हमें गाँव गाँव जाना पड़ेगा, हमें जमीनों पर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लियर करूँ कि पटवारी केवल जमीनों का काम नहीं करते, 2 तरह के काम होते हैं, बैक ऑफिस काम भी होता है, जमीनों का भी काम होता है। अगर आप ड्यूटी जमीनों पे लेंगे तो आप वहां जाएंगे, अगर आपको बैक ऑफिस का काम करना है तो आप वहां कर लीजिए। सच्चाई ये है कि पिछले बार जब 2012 में परीक्षा हुई थी तो हमारे यहाँ से बहुत सारी लड़कियां पास हुई थी, उनमें से 2 लड़कियां, एक अदिति जी और एक रश्मि जी, जो अभी 3 दिन पहले ही हमारी कोचिंग में आई थी, और बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया तो उन्होंने यही बात बोली कि मुझे तो बल्कि अच्छा है कि मैं फील्ड में जा रही हूँ, क्योंकि फील्ड में जाने के साथ साथ कुछ अपने काम भी निपटा लेते हैं, गांव में भी जाते हैं। सच बता रहा हूँ कि गांव वाला जो व्यक्ति है, छोटा सा व्यक्ति, वो कलेक्टर को नहीं जानता, वो एसडीएम को नहीं जानता, वो अगर किसी का भी सम्मान करता है, किसी को भी जानता है, तो पटवारी को जानता है, क्योंकि पटवारी उसके हर छोटे बड़े काम कर लेता है, भले जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीनों का बटान करना, हर काम पटवारी है। तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान की जॉब मिल रही है। तो महिलाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, पीछे मत हटिए, मेहनत कीजिए। अच्छा बिल्कुल सर, चूंकि आपने बताया कि जो वैकेंसियां हैं 2000 के आसपास हैं, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं वो लाखों में भरे गए हैं, तो जो इतने सारे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो मोरल है वो डाउन हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए जब महाकुंभ होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, और पूरा मध्य प्रदेश इस महाकुंभ का हिस्सा बना है। जिस प्रकार से अभी उज्जैन में जो सीएस हुआ था उसका भी
गवाह हजारों करोड़ों लोग बने, तो उस प्रकार से ये भी कहना चाहिए कि छोटा महाकुंभ है तो इसकी भी गाथा जो है काफी दूर तक है, हर कोई नौकरी करना चाहता है। लेकिन सोचिए फॉर्म भरने वाले तो लाखों हैं, लेकिन तैयारी करने वाले कितने हैं इस पे डिपेंड करता है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना कि लाखों लोगों ने फॉर्म भरा और वैकेंसी 9200 है। सच बता रहा हूँ, आपको तो एक ही चाहिए ना, और एक से बहुत ज्यादा है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि लाखों लोगों में से इतने लाख लोग होंगे जिन्होंने तो कभी बुक उठा के नहीं देखी होगी, ना ही वो देखेंगे। तो कॉम्पिटिशन रह जाता है कुछ लाख लोगों में से, और कुछ लाख लोगों में से वही बाजी मारता है जो मेहनत करता है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर पास हो जाएंगे। बाय द वे इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो ये मत सोचिएगा कि आप निराश मत होइएगा, और भी चांसेस मिलेंगे, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जी बिल्कुल, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सर चूंकि पेपर नजदीक भी है जैसा कि आपने बताया, तो आपकी कोचिंग की तरफ से भी कोई टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेपर इस बार ऑनलाइन है, तो सबधाणी कोचिंग ने ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल चालू किया है। www.sabdhanicoaching.com पर ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, कोई भी स्टूडेंट चाहे तो उस टेस्ट को दे सकता है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट भी करते हैं। मैं साधना न्यूज के माध्यम से आप लोगों को एक नंबर भी नोट कराऊंगा, एक नंबर आप लोग चाहें तो नोट कर लें, 7747910525। ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, बट इस नंबर को आपको सेव करना है, सेव करने का रेडी लिखकर भेजना है, कोई चार्जेस नहीं है। डेली आपको पटवारी के नोट्स अपने आप आपके मोबाइल पे फ्री ऑफ चार्ज आते रहेंगे। पटवारी के अलावा भी जब भी जिस प्रकार की भी वैकेंसी आएगी, जो दसवीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट, उनके लिए जब भी वैकेंसी आएगी आपके मोबाइल पे आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप इससे अपडेट रहेंगे। मैं नंबर एक बार और नोट कराता हूँ, 7747910525। तो इस नंबर पर आप रेडी लिखकर भेजेंगे, ऑटोमेटिकली सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप के नंबर पर आना चालू हो जाएगी। बिल्कुल, जो नंबर बताए हैं उस नंबर पर आप अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। सर चूंकि पेपर नजदीक का पेपर हो भी जाएगा, रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? जब भी कोई पेपर ऑनलाइन होता है तो आपको मालूम है, ऑनलाइन पे अगर मुझे किसी को मेल भेजना है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और 10 सेकंड में वो मेल की मेरी पार्टी को पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऑनलाइन पेपर सबमिट करेंगे 10 सेकंड में रिजल्ट बाहर होता है, यानी रिजल्ट तो 10 सेकंड में रेडी हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा व्यापम पे, डिपेंड करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी पे, डिपेंड करेगा माननीय राजस्व मंत्री जी पे कि कब उनको रिक्रूटमेंट करनी है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट अगले दिन से ये इच्छा जताएंगे कि मुझे पोस्टिंग दीजिए। इसलिए जब गवर्नमेंट के पास ऐसा होगा कि आज हम पोस्टिंग देने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से उसके एक महीने पहले रिजल्ट देंगे। तो एग्जाम तो हो जाएगा दिसंबर में, 9 दिसंबर से एग्जाम चालू होना है, 31 दिसंबर तक चलेगा। लेकिन रिजल्ट के बारे में जो अनुमान हम लगा सकते हैं वो ये कि रिजल्ट फरवरी लास्ट तक आने की संभावना है। लेकिन कहते हैं कि व्यापम है, कुछ भी हो सकता है, वो फरवरी 2018 हो या 2019 हो, हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सच्चाई है इलेक्शन है 2018 में, इलेक्शन के मद्देनजर ही ये वैकेंसी आई है, इलेक्शन के मद्देनजर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि हम मार्च में फिर से एक नई वैकेंसी ला रहे हैं संविदा शिक्षक की, जो लगभग हजारों में होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन है, और इलेक्शन के पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, पोस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं युवाओं को खुश करने के लिए दी है, तो युवाओं के लिए वो जरूर सोचेंगे। जी इतना कम समय चूंकि बचा हुआ है, और आपने बताया भी है कि कैसे सबधाणी कोचिंग जो है वो बच्चों को समझा रहा है, कितने घंटे बच्चे पढ़ाई करें? चूंकि अब जब फॉर्म भरने के बाद दबाव ये है कि मैं कितना पढ़ूं, कैसे इस पेपर को निकाल पाऊंगा। बहुत सही प्रश्न आपने किया। एक डायलॉग है, हम पड़ोसी मुल्क के सामान के लिए एक बात बोलते हैं कि चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो सच्चाई यहाँ भी वही चीज है कि अगर हम मेहनत करें 8-8 घंटा 10-10 घंटा और आउटपुट निकल रहा है 1 घंटे का, तो मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़ते हैं, 2-4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन आउटपुट पूरे 4-5 घंटे का देते हैं। तो बस हमें वही लोग चाहिए जो कम पढ़े लेकिन सॉलिड पढ़े। जरूरी नहीं है कि आपको हार्डवर्क करना है, आजकल हार्डवर्क का जमाना है ही नहीं, आजकल तो स्मार्ट वर्क का जमाना है। आप 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ के क्या कर लोगे? आपको पढ़ना है 5-7 घंटे, लेकिन वो ऐसे सॉलिड होने चाहिए कि 5-7 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको आउटपुट भी 5-7 घंटे का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे में पानी पी रहे हो, आधे में घूमने जा रहे हो, आधे में मॉल जा रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, जिस प्रकार का माहौल मत दीजिएगा। और सच्चाई ये कि आजकल जो युग है वो ऑनलाइन का युग है, हर कोई ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, ये एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑनलाइन के युग में तभी आपके लिए टेक्नोलॉजी अच्छी है जब तक आप उसका यूज कर रहे हैं, जब तक आप सदुपयोग कर रहे हैं। जब उसका दुरुपयोग होना चालू हो जाता है तब वाकई में काफी कष्टदायी होता है। आजकल दुरुपयोग में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्क की साइड है जहाँ स्टूडेंट अपना बहुत लंबा समय बिता रहा है। एक छोटी सी कहावत है कि आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे मेरे 15 दोस्त है, लेकिन घर का जो पड़ोसी उससे 2 साल से बात बंद है। तो सच्चाई यही है कि यही दिखावे की दुनिया चल रही है। तो मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि दिखावे की दुनिया में मत जाइए, अपनी अकल लगाइए।
बिल्कुल। चूंकि जो भोपाल के छात्र छात्राएं हैं वो तो आपकी कोचिंग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं अगर वो आना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ सुविधाएं सावधानी कोचिंग की तरफ से दी जा सकती है। बिल्कुल, बाहर से आने वाले विद्यार्थी में केवल यही समस्या होती है कि उसको यहाँ रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती, तो जिनके रिलेशन में भोपाल में अगर रह रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक महीने की बात है आप आइए, भले उनकी गालियां सुन ली थी लेकिन एक महीने आइए रहिए उनके पास पढ़िए। अगर कोई रिलेटिव नहीं रहता तो भोपाल बहुत बड़ी जगह है, सप्ताहानी कोचिंग के खुद के हॉस्टल से आप आइए उसमें रहिए, नॉमिनल सा चार्ज लगेगा, आप उसमें रह के खाना वाना खा के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले के लिए अगर फुटपाथ पे भी सुला के कोई पढ़ा दे तो भी वो पढ़ लेता है। तो आपको जहाँ व्यवस्था दिख रही है, जिस धर्मशाला में जिस जगह आपको व्यवस्था मिल रही है, जहाँ सस्ती जहाँ अच्छी मिल रही है, आप उसका यूज कीजिए। और बस यही उद्देश्य बनाए कि मुझे पढ़ना है और ये एक महीना मेरे लिए एक साल के बराबर है, बस आप दिन रात एक कर लीजिए लेकिन पास होके जाइएगा। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे, चूंकि बच्चे तैयारी में जुड़ गए हैं तो कुछ ऐसे टिप्स जो उनके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो चीज एग्जाम आने वाला है, जो चीज एग्जाम में पूछने वाले हैं, उस चीज पर आप सैंपल पेपर लीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो हालांकि 6 साल पहले वैकेंसी निकली थी लेकिन उसके पहले भी जो व्यापम ने एग्जाम्स कराया उनके पेपर आप निकालिए, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, और उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब भी ऑनलाइन जब से फॉर्म भरने लगे, ऑनलाइन जब से एग्जाम होने लगे, तो एक ही एग्जाम कम से कम 40 से 50 शिफ्ट में होता है और एक एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 शिफ्ट में हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आने, लगभग 50,000 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सोचिए 50,000 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, कहीं ना कहीं पिछले सालों के पेपर के ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन अगर उठा के सॉल्व कर लेंगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि आपके 50% मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जारी जानकारी जो है बच्चों से साझा करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि एक पटवारी की तैयारी या कुछ और भी तैयारी आप कर रहे हैं, जो आपने इस खास प्रोग्राम में सुना आनंद सबदानी जी को, जो टिप्स आपको बताए गए और जो व्हाट्सएप नंबर आपको बताया, अगर आप इन तमाम चीजों की हेल्प लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको काफी सफलता हासिल होगी। आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सबदानी।